एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसने खुद ही एग्जाम्पल है, खुद ही इसमें सॉल्व किया हुआ है जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। तो एक्सरसाइज फर्स्ट से पहले जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वही इसने बुक में दिया है, उसी को उसने सॉल्व करके दिखाया है, इसलिए हम उस एग्जाम्पल को यहाँ रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि उसका सोल्यूशन ऑलरेडी बुक में है। तो ऐसे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 27 सॉल्यूशन। सम क्या दिया इसने 27 एंड प्रोडक्ट इज, और प्रोडक्ट क्या दिया है इसने 182। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है फाइंड द नंबर, में नंबर हमें फाइंड करनी है, वे संख्या ज्ञात करनी है जिसका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो मानेंगे, माना लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स और सेकंड इज इक्वल टू, क्या कर दूँ 27 में से अगर मैं एक्स माइनस कर दूँ तो सेकंड आ जाएगी। भाई ये कहते हैं कि दो संख्याओं का योग 10 है, अगर एक संख्या 3 है तो दूसरी कितनी बचेगी, 10 में से 3 को निकाल दो दूसरी आ जाएगी। एक संख्या हमने मान ली x, तो दूसरी संख्या क्या होगी, सम में से हमने क्या कर दी, x को माइनस कर दिया तो दूसरी संख्या आपकी निकल आती है। अब ये कहते हैं कि प्रोडक्ट ATQ, जैसे इसने क्वेश्चन में कहा सिर्फ हम उसी कंडीशन को फॉलो करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर मैं कर दूँ x गुना 27 माइनस एक्स, अगर इन दोनों की गुना कर देंगे तो कितना आना चाहिए 182 आना चाहिए, वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, आगे सोल्व करते हैं, 27 गुना एक्स में करेंगे 27x हो गया, x गुना x में करेंगे x स्क्वायर हो गया और 182 साइड के आ गया माइनस में आ गया इक्वल टू 0। अब इसको सीक्वेंस में लिखते हैं, बड़ी पावर पहले लिखनी है, बड़ी पावर क्या माइनस का एक्स स्क्वायर, छोटी पावर बाद में, ये बाद में लिखेंगे प्लस का है तो 27x बाद में और 182 उसके बाद में इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस बाद में है तो मल्टीप्लाई बाय माइनस, जब मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, माइनस का 27x हो गया और प्लस का 182 हो जाता है इक्वल टू क्या है आपका 0। अब इसके हम फैक्टर करेंगे, जो फैक्टराइजेशन मेथड है जैसे इससे पहले हमने क्वेश्चन में किए हैं, सेम उसी प्रोसेस को हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। तो फैक्टर करेंगे हम, तो फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का 182 इक्वल टू क्या आ गया 0, कि जोड़ का तो आ जाए 27 और गुणा करके आ जाए 182 एक्स स्क्वायर माइनस 14 और प्लस 13 अगर मैं कर दूं तो प्लस 182 ऐसे कैसे ही, तो आपका इक्वेशन आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस इसकी गुणा से करेंगे 14x प्लस माइनस माइनस 13x और प्लस का 182 इजिकल टू क्या है आपका 0। तो यहां से कॉमन ले लेते हैं x माइनस 14 माइनस का 13, तो यहाँ क्या बच जाता है x, और जब इसको 182 को इससे डिवाइड कर देंगे क्या बच जाएगा 14 आ जाता है इजिकल टू 0। तो क्या आ गया x माइनस 14 एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको, इसको एक जगह लिखेंगे अगले ब्रैकेट में x माइनस 13 इजिकल टू क्या है आपका 0। अब क्या है, इफ़ अगर मैं मान लूँ x इजिकल टू x माइनस 14 इजिकल टू क्या 0, तो x इजिकल टू क्या आ गया 14 प्लस में, और यदि मैं कह दूँ x माइनस का 13 इजिकल टू 0 तो x इजिकल टू क्या आपका 13 आ गया। यहाँ तो दो संख्या आपकी आ जाती है x इजिकल टू 14 और 13, ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम बन जाती है कि दो आंसर है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फर्स्ट नंबर अगर आपकी 14 है तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगी, क्योंकि दोनों का सम क्या है 27 है, 13 आ गई, और अगर फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकंड क्या आ जाती है 14 आ जाती है, ये आपका आंसर आ जाता है इस तरह से। अगर आप पहली संख्या आपकी 14 है तो सेकंड क्या है 13 है, अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी क्या है आपकी 14 है, क्योंकि दोनों का सम आपका 27 आना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड जो बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन था और अच्छा भी है, इम्पोर्टेंट भी है, हम सोल्व उसको कर चुके हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे और इसको एक बार रिवाइज करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, फोर्थ पर सॉरी।